ऑलराइट दोस्तों, तो आज हमारी टीवी डिलीवर हो चुकी है जो कि है रेडमी फायर टीवी। ये वाला मॉडल है जिसमें फायर टीवी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये है हमारी एफ सीरीज रेडमी स्मार्ट टीवी 80 सेंटीमीटर विच इज़ 32 इंचेस। एंड ये वाली टीवी में हमें क्या ऑप्शंस आते हैं, इसमें आपको एलेक्सा बिल्ट इन है, इसमें आपको रिमोट में ही एलेक्सा आपको मिल जाता है साथ में। एंड उसके साथ आपको है ये HD रेडी जो कि है 1366x768 एंड विविड पिक्चर इंजन। और ये वाली टीवी बेजललेस डिज़ाइन है और इसमें जो स्पीकर्स हैं वो 20 वॉट्स के हैं विद डॉल्बी स्टीरियो। ओके, ये रहा इसका बैक। एंड देन अगर बात करें तो आप देख पाओगे ये टीवी मैन्युफैक्चर्ड इन मंथ ऑफ जुलाई 2023 और इसका मॉडल नंबर आप देख पा रहे हो जो कि है L32R8 और F जो है वो है F सीरीज मतलब फायर टीवी VIN। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग हमारी Redmi की फायर टीवी का। तो अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हैं ऑनलाइन तो उसमें आपको कंपनी की तरफ से इंस्टॉलेशन फ्री इंस्टॉलेशन मिलती है, पर उसमें कहीं कहीं आपको ऐसे ऑप्शन आता है कि आपकी वारंटी उसी इंस्टॉलेशन से अप्रूव होती है। तो अभी जैसे मुझे टीवी आई है 2 दिन हो चुके हैं, पर उनकी तरफ से जो अमेज़ॉन की तरफ से इंस्टॉलेशन थी ड्यू टू हाई वॉल्यूम आई थिंक वो अब तक मेरे पास पहुंच नहीं सके हैं। तो उनका ना पहुंचना मुझे क्या बेनिफिट मिला, मुझे अमेज़ॉन से कॉल आया कि आपकी अगर इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं हुई है तो उसमें 2 ऑप्शन है, इधर मैं रीस्केड्यूल करूँ कि वो लोग आके इस टीवी को इंस्टॉल करें या तो मैं खुद से इसकी इंस्टॉलेशन करवा दूँ। तो मैंने जो अब किया ऑप्शन कि मैं खुद से इंस्टॉलेशन करवा दूँगा क्योंकि आई मार्सल, क्योंकि मैं इसको अनबॉक्सिंग भी करूँगा उसके बाद मैं इसको खुद से ही इंस्टॉल करूँगा कि मैं आपको दिखा दूँगा वॉल माउंट इसका ब्रैकेट ऑप्शन कौन से आते हैं और उसको कैसे लगाना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लिए हम शुरू करते हैं हमारे रेडमी फायर टीवी की अनबॉक्सिंग। तो ओके गाइस, सबसे पहले जो आपको करना है, ये रहा हमारा फ्रंट एंड दिस वे इज़ बैक। आप देख पा रहे हैं अगर आपकी टीवी की कुछ भी सील मतलब कुछ भी बॉक्स डैमेज आ रहा है आपका, या जैसे इस पर आपको अमेज़ॉन के ऊपर एक से फिर एक अपना सिक्योरिटी टेप लगी हुई है, अगर ऐसे कुछ आपको खुला हुआ मिलता है तो आप प्लीज़ डिलीवरी एक्सेप्ट ना कीजिए। ये देखिए यहाँ पे पेंस लगी हुई, तो यहाँ पे 2 पेंस हैं जिससे बॉक्स को सिक्योर किया हुआ है कि कोई इस बॉक्स को खोल ना सके। तो हमें क्या करना है, हमें इन पेंस को निकाल देना है। आई मस्ट से ये पेंस काफ़ी अच्छी सिक्योर्ड है, आपका बॉक्स खुलेगा ही नहीं। से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इन पिंस को आप अच्छे से डिस्कार्ड कीजिए क्योंकि अगर आपने ये कैसे छोड़ दी तो हो सकता है आपके घर पे किसी के पैर में ये चुभ जाए। इसमें आपको हर एक चीज़ मतलब टीवी को कैसे निकालना है और टीवी को कैसे लगाना है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने एक डायग्राम दे रखा है व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट्स नॉट करेक्ट। तो जब भी आप टीवी को यहाँ से निकालते हो आपको ध्यान देना है, टीवी को आपको अच्छे से निकालना है, आपको उसको खींचना नहीं है, तोड़ना नहीं है, मतलब हार्ड पुल नहीं देना है। एंड आपको यहाँ पे इसके जो स्टैंड है इसको अगर चाहे तो अगर हम समझो आपको वॉल माउंट नहीं करना है, आपको इसको स्टैंडिंग पोजिशन में रखना है, तो ये वाले इसके ब्रैकेट्स जो हैं ये 2 आते हैं, एक लेफ्ट एंड राइट में आपको दिया हुआ है, ये यूज़ होते हैं उसमें, पर हम करेंगे इसमें वॉल माउंट। वाओ, ब्यूटीफुल। एंड बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, अमेज़ॉन की जो इनवॉइस आ जाती है आपको उस बॉक्स के अंदर, एंड देन आपका रिमोट काफ़ी प्यारा है दोस्तों, मस्त से। और ग्रेट थिंग, इस बैग को इन्होंने यहाँ पे एक एडिशनल सील कर दी है, आपको ऊपर जिप लॉक तो है ही पर यहाँ पे एडिशनल उन लोगों ने यहाँ पे एक हीट सील कर दी है
जैसे इसको कोई ओपन ना कर सके। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। एक तो मिलता है आपको Redmi TV सेफ्टी नोटिस एंड इंस्टॉलेशन गाइड, टीवी को आपको अपनी टीवी को कैसे इंस्टॉल करना है, एंड इसकी जो Redmi की टीवी की वारंटी पॉलिसी है, एंड सेम यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड दिया हुआ है, एंड देन आपको कुछ स्क्रूज दिए हुए हैं जो जिस पे आप एक्चुअली अगर इसका बेस माउंट करते हो, जो स्टैंड माउंट करते हो, तो आपको ये चार स्क्रूज काम आते हैं। एंड ये रहा हमारा एक प्यारा सा रिमोट, ब्यूटीफुल, एक छोटा सा प्यारा सा रिमोट है जिसमें आपको दोनों आ जाते हैं, Redmi एंड Fire TV, इसमें आपको दोनों आ जाते हैं रिमोट में। एंड इसके साथ आपको दो बैटरीज भी मिल जाती हैं जिनको ट्रिपल ए बैटरीज, जिनको आपको इस रिमोट में इंसर्ट करके आपकी टीवी चालू हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम इनको रखते हैं साइड में, एंड मैं बॉक्स को कर देता हूँ थोड़ा दूर। एंड देन आपको एक एडिशनल ऊपर एक आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर कार्ड लगा हुआ है, एंड देन आपको यहाँ पे आ जाता है आपको RF है, नेटवर्क का पोर्ट है, दो HDMI पोर्ट है, टीवी इनपुट आउटपुट है, हेडफोन्स का दिया हुआ है, और दो USB 2.0 के पोर्ट्स भी इसमें दिए हुए हैं। एंड देन आपको ये रहा हमारा पावर कॉर्ड, यहाँ पे पावर कॉर्ड दिया हुआ है। एंड ये वाला जो मॉडल है गाइस, ये 2-स्टार पावर सेविंग गाइड पे आता है, बट आई मस्ट से ये अगर हम AC वगैरह लेते हैं तो उनमें काफ़ी इनका मैटर होता है कि भाई अगर 5-स्टार ले रहे हो तो पावर कंजम्पशन पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बट व्हेन यू हैव समथिंग लाइक अ TV, उसको आप 24 घंटे तो चलाओगे नहीं, और चलाओगे भी तो इनमें कंजम्पशन इसका सिर्फ 45 वॉट्स है। तो चलिए इससे आगे मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं अभी इसको मैं लेके आने वाला हूँ वॉल माउंट, जो वॉल माउंट लेके आके मैं इसके इसकी जो एक इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस है मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा रहता है जिससे आप देखोगे तो इसे हमें इंस्टॉलेशन के बाद फाइनल उतारना होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर रहे थे इसके वॉल माउंट की, टीवी के वॉल माउंट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो अभी मैं मार्केट से लेके आया हूँ। मैंने एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मैंने खुद से ही इसकी इंस्टॉलेशन चूज़ की है, तो मैं ये वाला ब्रैकेट लेके आया हूँ। ये ब्रैकेट एक्चुअली में काफ़ी आपको इजीली मिल जाता है कहीं पे भी, इसमें काफ़ी दूसरे ऑप्शंस आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये वाले भी देखोगे तो कुछ ऐसे ब्रैकेट्स भी आते हैं, वरना कुछ सिंपल भी आते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ऊपर का एक ब्रैकेट रहता है, ये तीन नहीं रहते हैं साइड्स, और उस पर आपको ये वाली पट्टियाँ जो है जो मेन आपको टीवी को अटैच होती है वो सेम आती हैं। तो इसमें ऑप्शंस काफ़ी आते हैं, बट ये वाला कैसे मुझे काफ़ी स्टर्डी लगा। हालांकि आपकी LED टीवी में वज़न नहीं होता, उसका वेट बहुत मतलब बहुत कम होता है, बट आपका अगर थोड़ा भी अच्छा ब्रैकेट रहा तो आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप जो उसमें स्क्रूज लगाते हो उनको आप अच्छे से लगवा दीजिए। तो बेसिकली ये स्टैंड जो है वो है 14 इंच से 42 इंच तक का, ये कॉमन ब्रैकेट है। ये आपकी कोई भी टीवी जो LED हो या LCD हो उसमें आपको 4x4 इंच, अगर आप यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ये 4x4 इंच का स्क्वायर बनता है, और इसके अंदर जो है ये फ्लेक्सिबल है। इसमें चाहिए अगर वो समझो अगर वो एरिया 4 इंच से बड़ी भी हो, मतलब ज़्यादा भी हो, फिर भी आपको ये वाला ब्रैकेट काम आ जाता है। इसमें आपको स्क्रूज एंड स्टड साथ मिलते हैं और ये सबसे ईजी इंस्टॉल्ड है। मतलब एक रीज़न है क्योंकि मैंने ये वाला ब्रैकेट क्यों चूज़ किया, क्योंकि इससे पहले जो मेरी एग्जिस्टिंग टीवी थी जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इससे, उस पर ऑलरेडी मेरा सेम ब्रैकेट ऐसा वाला ही लगा हुआ था, तो इसीलिए मैंने एक्चुअल में न्यू ब्रैकेट लेके आया कि चलो ब्रैकेट भी एक नया लेके आपके साथ एक वीडियो शेयर हो जाएगा। तो देखिए ये रहे इसके स्क्रूज एंड स्टड्स, एंड ये रहा हमारा ब्रैकेट, ये वाला फिट होता है वॉल पे, कुछ इस तरीके से ही उसको फिट करना है। एंड देन ये वाली जो हमारी प्लेट्स हैं आप देख पा रहे हैं ये ब्रैकेट्स, इन्हें आपको टीवी को ये वाला जो सेक्शन है जिस पे ये वाली कट है उसको आपको लगाना है ऊपर वाले साइड, मतलब ये वाला सेक्शन टीवी के अपर साइड लगेगा। आप अपनी हाइट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो क्योंकि इस पे काफ़ी हाइट के ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ से लेके
यहाँ 8 डिफरेंट होल्स दिए हुए हैं आपको, आप कोई भी साइज तो, बट मेक श्योर जो साइज आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वही साइज आपको ये साइड सिलेक्ट करना है। आपको ऐसे नहीं कि ये साइड अलग हो और ये साइड अलग हो, वरना आपकी टीवी मैच नहीं होगी लगाने में। एंड देन इनको लगाना कैसे, हमें इनको यहाँ पे लगाना है ऐसे इस तरीके से, एंड आपको ये वाले वॉल माउंट लगा के उसको लगा देना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लिए मैं आपको ये लगा के भी दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। सेम पोजीशन जैसे मैंने पहले रखी थी वही पोजीशन पे इसको हम सेट कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको स्क्रूज़ में प्रॉब्लम आती है तो आपको ये ईजीली मार्केट में मिल जाते हैं, दूसरे वाले भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप कोई भी हार्डवेयर शॉप पे चले जाओ तो आपको उसके मैच पे हिसाब से मिल जाएंगे, ईजी है वो। फ्रेंड्स ये वाले जो हैं इनको आपको बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, आप एक सफिशेंट लेवल तक, जहाँ तक वो लूज़ ना बैठे उससे ज़्यादा बाकी आपको इसको टाइट करने की नीड नहीं रहती। ये देखिए आपके फिट हो चुके हैं, और ये देखिए हमारे होल्स ऑलरेडी यहाँ पे मैच हो रहे हैं। एक होल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और इसे हमें करना क्या है, जस्ट जो उसके साथ आपके स्क्रूज आ रखे हैं हमें इन्हें लगा देना है। ओके गाइस, तो आप देख पा रहे हैं हमारा ब्रैकेट जो वॉल का ब्रैकेट है वो अभी लग चुका है, मैंने स्क्रूज टाइट कर दिए हैं। अभी हमें टीवी को, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे इसके ये वाले जो पोर्शंस हैं इन्हें हमें ब्रैकेट में लगा देना है। ओके तो ये देखिए गाइस हमारी टीवी यहाँ पे अभी सेट हो चुकी है। तो इस पे अभी अगर आपकी टीवी थोड़ी भी एक सीधी ना हो तो उसमें आपको पीछे से ब्रैकेट को थोड़ा नीचे ऊपर आप कर सकते हो, कि अगर कहीं ना कहीं आपकी टीवी में थोड़ा भी, मतलब एक साइड झुकी हो, एक साइड ऊपर हो, या ये साइड, तो आप उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट अदरवाइज आपकी टीवी यहाँ पे फिट हो चुकी। और इस पे ये ब्रैकेट में आपको एक बेनिफिट क्या है, मैं इसको यहाँ तक मूव कर सकता हूँ, उसके बाद जाके वो एक लॉक हो जाता है, उसके आगे नहीं जाएगा। एंड सेम थिंग अगर मुझे समझो इसको ये सेट करना है तो मेरा यहाँ तक लॉक आ रहा है, बट मुझे यहाँ पे तो वॉल का जो कट है मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नहीं चाहिए, तो मेरा जो समझो एक आइडल रहेगा जगह वो ये हो जाएगा। ये रहा अभी हमारी टीवी का परफेक्ट लोकेशन, इट्स ऑल सेट। दोस्तों इस टीवी का जो परचेस लिंक है अमेज़ॉन का वो हमने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, और इससे जुड़ी जो जो चीज़ों को हमने यूज़ किया है, जैसे कि वॉल माउंट ब्रैकेट हो गया, एंड जो होल्स करने के लिए ड्रिल मशीन अगर आपको काम आती है तो उसका भी एक ब्लैक एंड डेकर का बहुत ही अच्छी ड्रिल मशीन है, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। और जुड़े गए हमारे चैनल पे, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में छोटा सा बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, एंड प्लेलिस्ट पे जाना एकदम ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे आपको ढेर सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस, कुछ एजुकेशन वीडियोस, कुछ फन शॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, उसमें है हाउ टू सेटअप MI या रेडमी स्मार्ट टीवी। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।